स्वागत। डेजर्ट टूर चैनल के सभी मित्रों का मैं अनिल सार हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में एक ऐसे घर के बारे में जानकारी लेकर आया हूं। ऐसा घर आपने शायद ही पहले कभी देखा होगा। इस घर में ईंटों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं हुआ है। अब तक आपने ईंट सीमेंट से बने मकान देखे होंगे, लकड़ी या फाइबर शीट से भी कई जगहों पर बने स्टाइलिश मकान देखे होंगे, जिन पर आपकी नज़र गई होगी और आपने सोचा होगा कि ऐसे मकान या ऐसी डिज़ाइन हम भी बनाएंगे। लेकिन आपने ऐसा घर शायद ही पहले कभी देखा होगा। आज हम देखेंगे प्लास्टिक बोतलों से बना घर। जी हाँ, अक्सर जिन प्लास्टिक बोतलों को हम कचरे में फेंक देते हैं, उनसे राजस्थान के श्रीगंगानगर ज़िले के एक व्यक्ति ने घर बनाया है और बड़ा ही स्टाइलिश घर बनाया है, जिसको सरकार ने भी सराहा है। बोतलों से इस घर बनाने वाले व्यक्ति को सरकार ने सराहा है। सरकार ने इस व्यक्ति को अनुदान दिया है और इसके स्केल को स्किल प्रोजेक्ट में शामिल भी किया है। दूर दूर से इस घर को देखने के लिए लोग आते हैं। यह घर गर्मियों में ठंडा रहता है और सर्दियों में गर्म रहता है। प्लास्टिक की खाली बोतलों के अंदर रेत भरकर सीमेंट बजरी से इसकी चिनाई की गई है और इस घर का निर्माण किया गया है। प्लास्टिक बोतल को लेकर समस्या इसके निस्तारण को लेकर आती रहती है। अगर प्लास्टिक का निस्तारण सही तरीके से ना हो तो इसका असर हमारे पर्यावरण पर देखने को मिलता है। लेकिन राजस्थान के इस वीर ने जो तरीका इजाद किया है, जिससे बोतलों का लंबे समय तक इस्तेमाल होता रहेगा और सही इस्तेमाल होता रहेगा। गंगानगर ज़िले के इस लाल ने एक के बाद एक इन बोतलों से चार घर बनाए हैं, जो बड़े ही स्टाइलिश है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि डेजर्ट टूर चैनल पर ऐसे अनेक वीडियो आपको मिलते रहेंगे।